ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपके ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। माता भगवती की कृपा सदा आप पर बनी रहे, घर में सुख समृद्धि रहे। आज का हमारा विषय है राशिफल। बात करेंगे जून मास के राशिफल की। कैसा रहेगा आपका राशिफल, कैसा साथ देगा आपका भाग्य, आपका भाग्य क्या कहती है इस मास की राशियाँ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अंत में उपाय। यानी बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी 4 तारीख को बकरी हो जाएगा, जिसके कारण व्यापार में थोड़ी आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है, फालतू परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, घर का माहौल थोड़ा सा खराब रहेगा, घर में क्लेश की स्थितियां थोड़ी उत्पन्न हो सकती हैं। फालतू धन खर्च का योग है। आपके पारिवारिक एवं आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी, लड़ाई झगड़े का थोड़ा योग है। व्यासिक एवं व्यापार के क्षेत्र में कठिनाइयों के बावजूद गुजारे लायक धन प्राप्त करेंगे। यात्रा में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, विशेष ध्यान रखें। शनि कुंभ राशि में बकरी होने के बाद भी आपको धन का लाभ देगा। बकरी होने के कारण आपके कार्यों में थोड़ी ही देरी होगी, व्यापार थोड़ा मंदा चल सकता है, परंतु धन का लाभ फिर भी आपको मिलेगा। जिसकी कुंडली में शनि नीच राशि में है में स्थित है, उसे इस मास अच्छे प्रमाण देखने को नहीं मिलेंगे। शनि का जप करवाना ही आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस मास में आप में गुस्सा अधिक रह सकता है, थोड़ा सा आपका मन परेशान रहेगा। बात करेंगे आपके करियर की। इस मास में करियर के लिए अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, विद्या प्राप्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, विद्या रुक के चल सकती है। आपका मन अशांत रहेगा, परंतु फिर भी आप अपनी मेहनत के बल के द्वारा अपना कैरियर बना सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों को शनि से संबंधित व्यापार में थोड़ा लाभ मिलेगा, परंतु मन अशांत रहेगा। आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, आपके लिए अच्छा है। पैसा प्राप्ति में रुकावट हो सकती है, पैसा देरी से आने का योग है। किसी को ब्याज पर रुपया मत दें, वह वापस नहीं आएगा। नए नए कारों के लिए करने के लिए आप रुक जाएं। फिलहाल इस मास में आप नए कार्य मत करें, अगले मास आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप को भान मकान घर पर पैसा खर्च होने का योग है। लोह से संबंधित आप की किसी वस्तु से पर खर्चा करेंगे, थोड़ा सा लोह से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं, पर थोड़ा रुक कर करें। बात करेंगे आपके हेल्थ की। इस मास में मकर राशि वालों की सेहत थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। शारीरिक कष्ट, शरीर में दर्द रहेगा, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न होने का थोड़ा सा योग है। कृपया अपने खान पीन पर ध्यान रखें। बात करेंगे आपके लव लाइफ एवं जीवन साथी की। विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है। आप यदि मैरिड हो तो आपका अपनी धर्मपत्नी से थोड़ा मतभेद देखने को मिल सकता है। आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें,
क्योंकि आप में गुस्सा अधिक रहेगा। शनि का कुंभ राशि पर संचार करने के कारण आप में नेचुरली गुस्सा रहेगा, जिसके कारण आपका अपनी धर्मपत्नी से थोड़ा मतभेद रहेगा। घर में लड़ाई की झगड़े की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। आपका फालतू पैसा खर्च होने का योग भी है। इस मास के नेक्स्ट वीक में आपके पार्टनर से संबंधों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। बात करते हैं उपाय की। आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना चाहिए। काले माह, काले तिल, सरसों का तेल और काला कपड़ा 2.25 मीटर, लोहे का चाकू, काले रंग के वस्त्र में बांधकर शनिदेव महाराज को अर्पण करें। शनि महाराज देव के फेस टू फेस मत देखें, झुककर पैरों पर ही ध्यान करें। सुंदरकांड का पाठ करवाएं आपके लिए चलेगा। यह शनिदेव महाराज के बीज मंत्र का जप कराएं। ओम प्राम पिम प्रोम शनिमय, ये मंत्र का जप भी आप करवा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में सतनाथ जदान करना आपके लिए अति उत्तम है। ये फलादेश आपकी जन्म कुंडली के अनुसार है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी राशि मकर बनती है। हम आपको अगले नेक्स्ट वीक में राजयोगों का वर्णन करेंगे। क्या आपकी कुंडली में भी गज के श्री ऐसा राजयोग है? क्या आपकी कुंडली पंचमहाभूत राजयोग है जो राज्य को देने वाला है, जो सुख समृद्धि एवं वैभव को देने वाला है, जो आपको समाज में यश प्राप्त कराता है, जो आपको उच्च पद दिलाता है? क्या वह राजयोग आपकी कुंडली में है? किसी कारणवश, किसी दोषवश वह राजयोग का आप पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर रहे, तो आपको हम बताएंगे किन किन दोषों के कारण आप इन राजयोगों से के फलों से वंचित हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों।